किंग्स इलेवन पंजाब भाई, नाम में इनका राजा है लेकिन क्या ये राजाओं की तरह खेल सकते हैं? हैशटैग आकाशवाणी। और इस टीम ने वैसे फ्लैटर टू डिसीव बहुत बार अच्छी टीम के साथ खेलते हैं, आगे तक भी पहुंचते हैं, फाइनल तक भी पहुंचे, लेकिन दे नेवर वन द ट्रॉफी। यानी कि एक ऐसी टीम की हम चर्चा कर रहे हैं जिसने कभी भी आज तक ट्रॉफी नहीं जीती है। क्या ये टीम इस बार ट्रॉफी जीत सकती है? लास्ट टाइम देखिए वेरी क्लोज, शुरुआत कितनी अच्छी की थी ना कि ये नॉकआउट में या कहें वो जो सुपर एंड में आप क्वालिफाई कर सकते हैं प्लेऑफ्स में, लेकिन अंत में पहुंचे नहीं। गाड़ी बड़ी तेजी से चली, फिर एक बार पटरी से जब उतरी तो वापस आने का नाम ही नहीं लिया। ये इनके साथ एक समस्या जरूर रहती है। शुरुआत करते हैं इस टीम की ताकत की। ताकत इनका है जो दो ओपनर्स हैं, अरे क्या विस्फोटक ओपनर्स हैं। इनफैक्ट दे आर द बेस्ट इन द लीग बाय अ फेयर मार्जिन। केएल राहुल, क्रिस गेल, और गेल का भी तो अब बल्ला बोल नहीं रहा है, मतलब तूफान मचा रखा उन्होंने। केएल राहुल, आई लव हिम टू बिट्स, मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है, कमाल लाजवाब। और इनकी स्पिन में अश्विन है, इनके पास मुजीब है, इनके पास वरुण भी है इस बार, तो मिस्ट्री स्पिनर भी है, मुजीब वैसे भी मिस्ट्री है, तो तीन कमाल के स्पिनर्स और वे तीन लगातार खिलाते भी हैं। और ये इनके दो ओपनर्स, ये है इनकी खास स्ट्रेंथ। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस वही है जो पिछले साल थी, दे हैव ट्राइड टू एड्रेस इट, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एड्रेस हुई है किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर आप उसके बाद मिडिल ऑर्डर को देखेंगे तो वहां आपको बड़े बड़े होल्स नजर आते हैं। मयंक अग्रवाल है, क्या आप उनको खिलाएंगे? करुण नायर है, मनदीप सिंह है, बट इट्स नॉट योर आइडियल मिडिल ऑर्डर। और उसके बाद सैम करन को आप खिलाइए या खिलाइए, आप मोजिस ऑनरीकेस को, क्या आप डेविड मिलर को खिला सकते हैं? सरफराज को क्या आपको खिलाना पड़ेगा? मतलब इट डजंट गिव यू इनफ कॉन्फिडेंस, डज इट? तो ये जो मिडिल ऑर्डर इनका जो है, ये इनकी समस्या की ये बहुत बड़ी वजह है। और अगर कहीं ये टीम लड़खड़ाई या फिसली तो इस वजह से लड़खड़ाएगी जैसे पिछली बार हुआ। ओपनर्स अच्छा करते, टीम अच्छा करती, ओपनर्स आउट, किंग्स इलेवन बाहर। सो दैट कुड बी द प्रॉब्लम दिस ईयर एज वेल। अपॉर्चुनिटीज किस किस के लिए है? मुझे लगता है अगर मौका मिलेगा तो मयंक अग्रवाल के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन्होंने टेस्ट में जो खेला है मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, तो हो सकता है कि एक ऐसी ये नॉक्स लगातार खेल दें कि आप इनको वन डे स्कीम ऑफ थिंग्स में भी कंसिडर करना शुरू करें। उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी, राहुल के लिए फॉर्म दिखाने के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे लगता है वर्ल्ड कप जाएंगे, अगर वो वर्ल्ड कप जा रहे हैं सो आईपीएल में उनको एक बार फिर धावा बोलना पड़ेगा। रविचंद्रन अश्विन, कैन ही एक्चुअली डू समथिंग टू रीक्लेम हिज वाइट बॉल स्पॉट? तो उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वरुण, इन्होंने इनको किसी ने देखा नहीं है अभी तक, तो ये मिलियन डॉलर बाय, क्या इनको आप देख सकते हैं? इनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दैट्स अनदर थिंग दैट्स वर्थ नोटिसिंग। थ्रेट क्या है? इनकी सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो ये कि 11 तो इकट्ठे हो जाते हैं, इवन विद द वीकनेसेस, अगर कोई भी इंजर्ड हो जाए, किसी की फॉर्म चली जाए तो बैकअप है ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट नदारद है। अब मिडिल ऑर्डर में इतने सारे हमने नाम लिए, बाहर कोई ऐसा बैठा है जिसको आप सोचेंगे कि यार इसको तो हम खिला सकते हैं, बहुत कम लोग हैं। एक प्रभुधर जरूर है, बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं, विकल्प ही नहीं है इस टीम के पास। सो दैट्स वन थिंग जो मुझे थोड़ा सा परेशान करती है। अब इनके टीम की बात कर लेते हैं, क्या थ्रेट थी इसकी बात हो गई। अब टीम में केएल राहुल, क्रिस गेल, दो ओपनर्स, लुक नो फर्दर, इसमें कोई डिबेट नहीं। नंबर तीन पे मैं वैसे मयंक अग्रवाल की तरफ जाना चाहता हूं, चार पे करुण नायर को रखना चाहता हूं, ये मतलब मेरी टीम है। उसके बाद पांच पे मनदीप, छह पे सैम करन, और सात पे मोजिस ऑनरीकेस। अगर इस टीम के साथ ये उतरने की कोशिश करते हैं तो फिर ये मुजीब को नहीं खिला पाएंगे या फिर टाई को इनको बाहर बिठाना पड़ेगा, ये एक थोड़ी सी समस्या है। तो इनकी आइडियल 11 में मैं ऑलरेडी थोड़ा सा परेशान हूं। और फिर आप अश्विन को खिलाएंगे, वरुण को खिलाएंगे, आप जरूर शामी को खिलाएंगे, लेकिन दो जनों का टॉसअप रहेगा क्योंकि चार ही ओवरसीज खेल सकते हैं। गेल को हमने खिला लिया, करण और ऑनरीके से एक तो पक्का खिलाएंगे, अगर दोनों खिला ले तो बहुत ही बेहतर। मिलर को खिलाया तो खैर नहीं, मिलर नहीं खेल पाएंगे, मुझे मुश्किल लग रहा है उनका खेलना। मुजीब और टाई को आप क्या इकट्ठे खिला सकते हैं? दैट्स द क्वेश्चन दैट दे नीड टू आंसर। अदर ऑप्शन, दे विल हैव टू गो टू राजपूत, अगर राजपूत खेलते हैं तो टाई को आप बाहर बिठाइए, मुजीब के साथ कंटिन्यू कीजिए, और फिर आप ऑनरीके और करण दोनों को खिला सकते हैं। सो दे डू हैव अ फ्यू इश्यूज टू एड्रेस।